इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ओलमिसार H40 टैबलेट्स के बारे में। ओलमिसार H40 टैबलेट्स का क्या यूज है, कभी इसको यूज़ किया जाता है, कितने का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसका डोज रिवर्सन कितना होना चाहिए, तो ओलमिसार H40mg टैबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल में वीडियो पर पहली बार विजिट किए या फिर आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं ओलमिसार H40mg टैबलेट, जो कि हमारे पास 15 गोली का स्ट्रिप से, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप से उसकी MRP 363 यानी कि 363 रुपये के करीब इसकी MRP है। ओलमिसार H40mg टैबलेट्स को मैकलॉट्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ओलमिसार H40mg टैबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात है तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है ओलमिसार्टस मेडोक्सिमल्स एंड हाइड्रोक्लोरथियाजाइड टैबलेट्स IP बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि ओलमिसार H40mg टैबलेट्स के अंदर जो इंग्रीडियंस डाले गए हैं उसके पावर ऑफ स्टेंस की बात करें तो इसके अंदर जो ओलमिसार्टन्स मेडोक्सिमल्स 40mg प्लस हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड 12.5mg इसके अंदर डाले गए हैं। ओलमिसार H40mg टैबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए ये टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टैबलेट्स ट्रीटमेंट करती है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओलमिसार H40mg टैबलेट्स का डोज रिडक्शन की बात की तो उसका डोज रिडक्शन आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना, आपकी कंडीशंस कैसी है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज रिडक्शन कितना होना चाहिए। इसका डोज रिडक्शन अपने डॉक्टर की देख रेख में इस्तेमाल करें। अगर आप उसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किया जा रहे यानी कि अपने डॉक्टर की देख रेख में इस्तेमाल नहीं करिए, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किया जा रहा है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि इसके ओवरडोज लेने पर इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ओलमिसार H40mg टैबलेट्स के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है को चक्कर आना, कमजोरी होना, हेडेक होना, थकान होना, सीने में दर्द होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ओलमिसार H40mg टैबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। ओलमिसार H40mg टैबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स ओलमिसार H40 टैबलेट्स। ओलमिसार H40 टैबलेट्स के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि ओलमिसार्टन्स और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड्स, जो ब्लड प्रेशर को असरदार तरीके से कम करते हैं। हाइड्रोक्लोरथियाजाइड्स एक मूत्रवर्धक है जो बॉडी से अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालता है। ये टाइम के साथ रक्तवाहिका को रिलैक्स करती है और ब्लड का प्रवाह बढ़ाती है। ओलमिसार्टन्स एक एंजियोटेंसन यानी कि एक प्रोटीन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि AR भी होता है जो एंजियोटेंसन हार्मोन को ब्लॉक करता है, जिसके कारण रक्त कोशिका को आराम मिलता है और ब्लड को सुचारू रूप से फ्लो करने में और हार्ट को अच्छी तरह से पंप करने में मदद करता है। ओलमिसार H40mg टैबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन से, फैमिली डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करिए, बाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से ओलमिसार H40mg टैबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए तो ओलमिसार H40mg टैबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिए वहाँ पर बताइए। ओलमिसार H40mg टैबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी टैबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।